हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ पूरे 4-5 महीने बाद। दोस्तों, इसके पीछे मेरा कुछ रीज़न था कि मैं नहीं आ पाया। तो दोस्तों, आज फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया है अपने शहर हिसार से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। तो दोस्तों, देखिए मेरे साइकिल का व्लॉग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल चुके हैं हमारी ट्रिप में, साइकिल यात्रा हमारी हिसार कटरा होने वाली है। तो आज का हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा। हम मिल रहे हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे आप सब, बढ़िया होंगे? हेलो, ये दोस्तों हमारा हिसार का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो बोलते हैं इसको, यहाँ से निकाल रहे हैं हम। दोस्तों, हम वीडियो बनाना चाहे तो हम ऐसे बना सकते थे, मैंने बनाई नहीं क्योंकि थोड़ा मोटी आ गई थी। तो निकल चुके हैं दोबारा स्टार्ट से। तो आप लोग खुश रहिएगा एक चैनल के साथ, और साथ में आज मेरे को जाते रहेंगे। और भाइयों, ठीक हो? तो ये मेरा फ्रेंड है, देखो पीछे तक गया। दोस्तों, कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि हिसार पार करते ही एक गांव आता है, इसका नाम है तरवंडी राणा। बस हम एंटर हो चुके हैं शहर में अंदर, आप जैसा कि देख रहे हो। हिसार से अभी हमको निकले हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। 35-40 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हाँ आधा घंटे से ज़्यादा ही है। जैसे देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ का गांव, जो है तलवंडी राणा, है ना। और दोस्तों, आप जो देख रहे हैं बाबा पीर मीठे जी के प्रसाद दरगाह, तो बहुत पुरानी दरगाह ये। अगर आप लोग का चक्कर हिसार लगता है तो इधर प्लीज आइएगा। आप देख रहे हो दोस्तों, हिसार से हमको निकले हुए कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी हम पहुंच चुके हैं बहबलपुर। आप देख रहे हैं ये रहा बोर्ड बहबलपुर। बस यहाँ से 200-300 मीटर पे गांव स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये देखो रोड पर रेस्टोरेंट मिल रहा है, पानी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, निकले हुए हैं। माता जी बुलाएंगी, थकेंगे नहीं, बुखार नहीं मानेंगे, पहुँच के रहेंगे हर हाल में। आप देख रहे हो, बस पहुँचने वाले हम। दोस्त अभी भी मेरा दोस्त बचा हुआ है, और हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जाके मानेंगे फिर आपसे। दोस्तों, हमको कुछ यहाँ पे 50 मीटर पे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है। चलो काश, बाबा जी का धन्यवाद, माता जी का धन्यवाद, हम थोड़ा पीने को पानी मिल जाएगा। ये आप देखिए, दिख रहा है हम लोगों को, मुश्किल पेट्रोल पंप मिला है हमको, पानी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
टास लग रही फुल जोर से, बस पेट्रोल पम्प भी दिख गया हमको, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बाकी आप कैसे मिलो यहाँ पर, काश थैंक यू गॉड थैंक यू पेट्रोल पम्प पहुँच गए हम। आप पहले पहुँच गए हमसे, कैसे हो तो पानी का जुगाड़ देखें। तो दोस्तों हमारी साइकिल मेरी जान, मैंने पानी लगा दिया है, ये अपनी लोअर को बैग में डाल लेते हैं। सही है, चलो दोस्तों निकलते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारी साइकिल कैसी लग रही है। सही लग रही है ना साइकिल, अपना फ्लैग भी अच्छा लग रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो अपनी जान अधूरी है यार, ये बात तो पता ही है आपको, है ना दोस्तों। कोई मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि फ्लैग में मैं कैसे लगाऊं, मुझे लगाना सही नहीं आ रहा ना। आप लोगों को वीडियो में बताना, आप लोग बताना वीडियो में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए निकलते हैं, सफ़रनामा स्टार्ट करते हैं दोबारा से, चलिए स्टार्ट करें दोस्त, चलें भाई बस। हेलो सर, I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did. I know it hurts. Please hard toll. Bado patti toll paja. Sir. Toll hum paar kar rahe hain. Apni rani chal rahi hai saath mein. मेरे फोन कर लेता हूँ, वो इसकी पिन कहाँ गई, पिन दे इसकी, पिन मेरे को दी नहीं तूने, मेरे को बिना पिन के दिया था यार। यार बैठ हो जाएगा तू, आजा छोड़ हो रही है भाई, माइक बिना बस बिजली सब बंद रही थी यहाँ। दोस्तों साइकिल बदल ली मैंने, मजबूरी में क्या करें दोस्त यार, जो मेरी पहली वाली साइकिल का पीछे क्या दिख दिया, कुत्ता मरा पड़ा था एक। मरवाला से हम निकल चुके हैं, टायर साइकिल का बिल्कुल फट चुका था, और पता क्या है मैंने आके वहाँ पर शॉप पर पूछा टायर मिल जाएगा, उन्होंने नहीं मिला। अब दोस्तों क्या करें मजबूरी में, स्पेशल मेरे पापा जी 40 किलोमीटर से आए हैं साइकिल देने मेरे को, देख रहे हो ना आप। और ये देखो मेरा दोस्त चिराग, जिसने मेरी बहुत हेल्प की आज, करो दोस्तों मेरा 2 घंटे बेकार हो गए मेरे यार आज यार। चलो कोई नहीं, घूम देख लेंगे आगे पीछे जहाँ होगा, है ना। बाकी ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। बाकी फिर वाला पार कर दिया है, हाईवे पे आ गए, ये आप दृश्य देख रहे हो दोस्तों। मेरी सबसे मुश्किल घड़ी आ गई, ये देखो आप क्या है ऊंचाई, विदाउट गियर साइकिल मेरी मारा गया आज तो मैं पर क्या बोलें, बोले का नाम लेके जय माता दी, साइकिल जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी भाई, हो माता दी का साथ हमारे साथ है, बिल्कुल साइकिल बिल्कुल जाएगी, है ना। हो दोस्तों बिल्कुल थक गए यार आज तो, देख रहे हो ना आप हालत डाउन हो गया आज तो। फ्लाई ओवर दोस्तों आ चुका है बिल्कुल, हमारी
दोस्तों साइकिल में सबसे चैलेंजिंग पता क्या है, ये चीज़ है फ्लाई ओवर में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, वही बन रही है आज तो मारे गए जाएंगे, हिम्मत है बिल्कुल जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे अभी है ना दोस्तों, आप लोगों ने रामपाल का नाम सुना होगा, रामपाल बाबा। तो आपको दिखाऊंगा एक चीज, ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये पहले रामपाल बाबा का डेरा हुआ करता था, तो मैं उसको बाबा की बोलूँ। देखो राम बाला बाबा को दिख रहा है ना, ये थे मेरे चाचा जी सदानंद राजली। मैंने मेरे को रास्ते में देख लिया होगा तो बेटा कहता रुक जा तू, रुक जा तू, रुक गया। और मेरा फ्रेंड बहुत आगे जा चुका है, करते हैं चलो आगे बोलते हैं उसको, वो करते हैं और क्या। बाकी अच्छा लग रहा है दोस्तों, लोग देख रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, अच्छा लगता है ऐसे ना। दोस्तों बरवाला से कुछ 5-10 किलोमीटर आए हैं और ये गांव है गैबीपुर, ठीक है। और आप पीछे का व्यू देखिए कितना शानदार है ना, मनमोहक व्यू। और ये गांव है देखो गैबीपुर, ठीक है। तो सफरनामा अभी स्टार्ट है, वो बस मेरे 2 घंटे दोस्तों खराब हो गए, नहीं तो हम तक तो भी पहुँच जाते। साइकिल के आगे चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा, है ना दोस्तों। हिसार से 12 बजे के निकले हुए हम, अभी रात के टाइम कितना हो रहा है, 7:44 हो चुके हैं। पर ये बात नहीं है, हमने टाइम बहुत लगा दिया, टाइम हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे वहाँ रुके, हमने रात में रोटी खाई तो टाइम लग गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता ही है, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया था, मतलब टायर फट गया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूर्यवाड़ा मोड़, यहाँ से मेरा भाई है, अब फिर रात को रुकेंगे, यहाँ से सुबह निकलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।